सो हमारी स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल, आपकी रिस्क टेकिंग, ये सारा कुछ जो है, इसमें भी आपको कोई बेहतरी नहीं नजर आई अभी तक? मेरे ख्याल में व्हाट वुड एक सरमायाकार क्यों आए फिर इधर? आप बिल्कुल सही कह रही है, व्हाई वुड एनीबॉडी कम हियर विद ऑल दिस अनसर्टेनिटी। एयरलाइंस इस वक्त जो है हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही है, कतर ले लें, एमरेट ले लें, वो जो टिकट यहाँ बेचती हैं उनकी फंड्स की रिमिटेंस में डिलेज हो रही है लंबी लंबी। डिविडेंड जो लोगों के बाहर जाते हैं, जो इन्वेस्टर हैं बाहर से हैं, उनको पैसे टाइम पर नहीं मिल रहे। सो एज आई सेड दैट वी नीड टू नाउ गो टू द IMF एंड गो टू द फ्रेंडली कंट्रीज जो भी हैं, उनसे जाके बैंक बोरो स्टील करके ना एक दफ़ा हम पैसे ले आए। उसके बाद वी नीड टू डू स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, और इन स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या क्या है? मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन नंबर वन प्राइवेटाइजेशन। आप देखें कि मसलन मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूँ, आप लाहौर एयरपोर्ट पर चले जाए ना, तो आपको ऐसे लगता है जो आप किसी थाने में आ गए। ऑल एयरपोर्ट्स आर प्राइवेटाइज, इस्तंबुल इज प्राइवेटाइज, दिल्ली इज प्राइवेटाइज, लंदन इज प्राइवेटाइज, द हीथरो एयरपोर्ट ऑफ लंदन इज ओन्ड बाय अ स्पेनिश कंपनी। अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछती हूँ, एंड ऑफ कोर्स दिस इज कहता तो हर कोई है, बल्कि नवाशी साहब तो जब हुकूमत में आए 2013 में, उन्होंने कहा कि भाई जो ये प्राइवेटाइजेशन और ये सख्त फैसले नहीं कर सकता उसको वजीर आजम बनने का राइट ही नहीं है, कुछ ना कर सके। दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क बट कुछ हुआ नहीं, इट्स ऑलवेज पोलिटिसाइज्ड। बट आई वांट टू आस्क यू कि हम तकरीबन सालाना 1 ट्रिलियन हम ब्लीड आउट कर रहे हैं इन बिग एलिफेंट्स के ऊपर, ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर। फिर इमरान खान साहब और असद उमर का एक वर्जन आया पूरा, उनने मॉडल दिया कि किस तरह इसको हम टर्न अराउंड करेंगे और उसके बाद फरोख करना शुरू करेंगे। सो एज ए इन्वेस्टर, व्हाट डू यू सजेस्ट कि पहले थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर बेच दो, जस्ट रिड योर सेल्फ ऑफ ऑल दिस, या यू थिंक कि नहीं पहले टर्न अराउंड करो एंड देन गो टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन? ये जो टर्न अराउंड वाली स्टोरी है ना, ये तो कई दफ़ा हम कर चुके हैं कि जी हम आके ठीक करेंगे, वो होती भी नहीं है। कुछ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की लाइफ भी आपको पता है 2-3 साल रही हैं। वेयर आई थिंक असद उमर इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, अ वेरी ऑनेस्ट गाय, बट वेरी एब्सोल्युटली वेंट रॉन्ग। वो एक मॉडल था है मलेशिया में खजाना, उसने कहा जी मैं बंदे लाऊंगा खजाना में, उसको रेप्लिकेट करेंगे। नॉट ये तो महातर ने उनको बताया, तो मुझे तो इसलिए पता है कि वी हैव वेरी बिग इंटरेस्ट विद मलेशियन। वो कम्प्लीटली फेल हो गया मलेशिया में, उसमें $3 अरब के घपले हो गए। कई लोग अमेरिका में बैठे हैं, उनके पास वारंट निकले हुए हैं, उसमें अमेरिकन हैं, रशियंस हैं, इतना बड़ा घपला। इट डिड वर्क देयर। तो महातर ने आके प्राइम मिनिस्टर को कहा यहाँ पर, भाई ये तो हमारे यहाँ भी नहीं चला, तो ये इसको ना कॉपी करें। हमने बड़े लोग आए हैं, हमें आके बता गए हैं, ली क्वान यू केम टू पाकिस्तान जी, उसने इनको बताया कि गवर्नमेंट को छोटा करें, ये चीज़ों को ख़त्म करें, आप कामयाब हो जाएंगे।